मौत का कारण बने बिजली के तारों को बदलना शासन की जिम्मेदारी। मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर, आज जिला पंचायत सदस्य वार्ड 51 के प्रत्याशी मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर जिला कारागार मुरादाबाद ने ग्राम पूरनपुर, चकरपुर, वाजिदपुर तिगरी, महमूदपुर तिगरी, सेहल आदि का भ्रमण कर अनेक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया तथा जमीनी समस्याओं को समझ कर समाधान कराने के वादे के साथ कहा कि पूरनपुर, चकरपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर 2-4 फुट की ऊंचाई पर लगे हुए हैं तथा अनेक केवल तार 11,000 की बिजली लाइन के साथ लटके हुए हैं। हादसों को बुलावा देते यह तार अनेक ग्रामीणों की मौत का कारण भी बन चुके हैं। जैबुल हसन पुत्र श्री दूला जान उम्र 21 वर्ष, नसीम जहां पत्नी इस्लाम नबी उम्र 25 वर्ष व उसका अबोध बच्चा 8 माह तथा बच्ची इकरा 16 वर्ष आदि की मौत आए दिन टूट तारों के जमीन पर गिरने से हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अनेक किसानों के गाय बैल भी आए दिन बिजली के तारों से चिपक कर जान गंवा चुके हैं। यह विडंबना ही है कि लगातार फैले तारों के स्थान पर चुटिया तारों की मांग को शासन प्रशासन के सामने रखने के बाद भी समाधान अभी तक नहीं मिल सका है, जबकि मौत के कारण बने बिजली के तारों को बदलना शासन की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर अनेक ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर के सामने रखा गया है। इस अवसर पर मोहम्मद इदरीस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे की लड़ाई अब हमारी लड़ाई है और इस समस्या का स्थायी समाधान कराना हमारी प्राथमिकता है। यदि जल्द शासन ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम गांवों से लेकर जिला मुख्यालय तक लगातार आंदोलन करेंगे। जनहित का हर कार्य हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीणों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण जिसमें राशिद अली अनवर अली मोहम्मद तैयब ताहिर अली हसरत अली शफीक अहमद रिफाकत अली खालिद मोहम्मद मोबीन खलील अहमद अख्तर अली रफीक निजामुद्दीन मोहम्मद हनीफ शाकिर हुसैन माया सुगरा आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत पूरनपुर तखतपुर में हम इस समय यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई है बिजली के तारों को लेकर, जो 11,000 की लाइन यहाँ बहुत ही नीचाई पर, ये कहें कि लगभग 5 से 6 फीट ऊंची पर ही यहाँ चल रही है, जिससे ग्रामीणों को, जानवरों को, लगभग सभी को जान का खतरा बना हुआ है। एक किस्म से ये कहा जाए कि ये जानलेवा ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद है। कई ग्रामीण यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के परिवार से जो लोग यहाँ पर मर चुके हैं, इन्हीं के परिवार से हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह की समस्या उन्हें यहाँ महसूस होती है या किस तरह का हादसा इनके साथ यहाँ सामने आया है। आपका नाम बताइए। दूला जान जी। दूला जान जी, क्या समस्या थी यहाँ पर और किस तरह का हादसा यहाँ पेश आया आपके सामने? अजी के पैसा का घर से घर ही सही यहीं ख़त्म, घर में ही हो गया। जावलसन नाम है उस लड़के का। इन तार के तारों की वजह से हाँ, देखा भी नहीं जा रहा, करंट की वजह से लग गया, करंट के पसली सब कुछ जल गया। हाथ भी सर। रात में ध्यान नहीं करा, निकल जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद हसन है। कहाँ के निवासी हैं आप? पूरनपुर, चकरपुर के। जी, क्या समस्या है यहाँ पर? ये जैसे शाम के वक्त में बैल ले आ रहा था, हमें बारिश पड़ हुई थी और जो तार 11,000 का टूट के वहाँ गिरा, बैलों को पानी भरा हुआ था, बैल दोनों खत्म हो गए। मेरी भी हाँ, पानी भर जाता है ये रास्ते में, जैसे बारिश होती है तो वो तार की वजह से दोनों बैल खत्म हो गए। मेरी भी तबीयत खराब हुई और वो खैर में सही हो गया, बैल दोनों खत्म हो गए। यहाँ इस समय आज हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस साहब, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और पूर्व जिला कारागार जेल विजिटर हैं। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है और समझा है। इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया रही है और क्या मुद्दे वो यहाँ लेकर आज यहाँ मौजूद हैं, आइए इन सब पर बात करते हैं। मैं यहाँ जो है क्षेत्र में निकला था अपनी टीम के साथ में, इसी को देखने के लिए आज मैं यहाँ क्षेत्र में घूम रहा था। मैंने ये देखा कि यहाँ बिजली के जो खंभे हैं, ये 11,000 की लाइन बीच बस्ती के अंदर इन्होंने जो है बिजली की निकली है, जिससे जो है मकान पे, छज्जों पे जो है करंट आए दिन 11,000 की लाइन जो है चलती है। उसके बाद ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर जो रखा है इन्होंने, ये लगभग 5-6 फुट दूरी पर है, जिससे हाथ से भी छुआ जा सकता है। उसके तारों को देख रहे हैं आप, किस तरह से तार यहाँ निकले हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है 5 मौतें 6 मौतें लगभग यहाँ हो चुकी हैं। इसी गाँव में बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, इसी तारों से, इन्हीं बिजली के खंभों से, इन्हीं लाइटों से, उन्हीं को लेकर ये समस्याओं को मैं आए दिन यहाँ पे जो है उच्च अधिकारियों से, विद्युत विभाग वालों से इस संबंध में बात की है मैंने, और मैंने ये मुद्दा जो है उठाने की पूरे प्रयास किए हैं, उठाता रहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइट किसी तरह से जो है यहाँ पे ये हटे 11,000 की लाइन, और यहाँ चुटिया वाली जो है व्यवस्था लाइट की जाए, और 11,000 की लाइन के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बाहर रखे हैं,
वो जबकि बाहर रख कर उनसे ही ये तार करंट दिया जाए, जबकि यहाँ सभी के जो है कनेक्शन हैं, सभी लोग समय से बिजली भी पे करते हैं। इसी तरह से जो ये मौतें हुई हैं, यहाँ किसानों के 5-6 जानवर भी खत्म हो चुके हैं और 6 यहाँ पे मृत्यु बिजली इसी बिजली के तार। क्या इन समस्याओं को लेकर पहले कभी कोशिश की गई है समाधान की? मैंने जो है काफ़ी प्रयास किया। अभी पीछे मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ चुटियाँ बदलने के लिए कुछ यहाँ पे तार भी लाए गए थे और उन तारों को कुछ दिन के बाद रखने के बाद यहाँ से विद्युत विभाग वाले उठाकर ले गए। तो अब क्या इसमें हो सकता है, क्या समाधान इनका होना चाहिए? समाधान ये है कि 11,000 की लाइन यहाँ से इतनी दर्दनाक, जहाँ इतनी घटनाएं हो चुकी हों और उसको पे कोई संज्ञान अधिकारियों उच्च अधिकारियों ने ना लिया हो और यहाँ आए दिन मौत, कल यहाँ पे जो एक घटना हुई है बिजली ने उसको व्यक्ति को छत पे वो जो है काम कर रहा था उसको जो है पकड़ लिया, उसको नीचे गिर गया, उसकी तबीयत खराब है, वो तबीयत अब भी सीरियस है, इलाज चल रहा है उसका, इलाज चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ से हटे और 11,000 की लाइन हटने के बाद यहाँ चुटिया पड़े। अपने भ्रमण कर रहे हैं आसपास के गांवों में, तो इस गांव में जो ये बिजली के तारों की समस्या आई है, इसके अलावा और क्या क्या खास मुद्दे, खास समस्याएं आपके सामने? मैं यहाँ जो है ये है कि ग्राम हमारा लालू वाला गाँव है बराबर में, एक पानी की टंकी वहाँ पे जो है करोड़ों रुपए की लागत से वो पानी की टंकी लगाई गई है, जिसको एक ऐसे लगा दिया है कि एक सफ़ेद हाथी की तरह उसको खड़ा कर दिया गया है। 100 पीस के रूम में वो टंकी खड़ी है, उसका किसी ग्रामवासी को, किसी क्षेत्रवासी को पानी नहीं मिला है। मैं अपने तरफ से ये चाहता हूँ कि वहाँ पानी दिया जाए लालू वाला के अंदर, और लालू वाला के आदमी उस इतने करोड़ों रुपए सपा सरकार ने खर्च किए, उस पानी को देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती थी। अब ये सरकार हमारी जो है नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, जब से ये सरकार आई है वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जैसे काम था वैसे ही छोड़ दिया गया है। वहाँ पानी अगर चलेगा तो कम से कम हमारी जनता को उस पैसे का जो लगा था उस पैसे का लाभ मिलेगा, और वहाँ गांव में जो है पानी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ही हर गांव में बीमारियाँ अधिकतर फैल रही हैं। आपने बताया कि ये टंकी 3 साल पूर्व यहाँ निर्मित की गई थी, लगभग पाँच साल पहले यहाँ पर ये बनाई गई थी, और जब से लेके अब तक इसका कोई भी लाभ यहाँ लोगों को नहीं मिल पाया। इसके लिए कोई कोशिश की गई पहले? मेरे द्वारा इसे बराबर कोशिश की जा रही है, और अब मैं ये मुद्दा है, और एक बराबर में हमारे यहाँ पे जो है सेहल का एक ये नहर का रास्ता जाता है, नहर की कन्नी और 200 गांव का वो रास्ता है, और उस गांव पे सेहल की जो है पुलिया है, और पुलिया सेहल के सामने है, उस पे आए दिन इतना कम से कम 10 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है, जिस पे कोई वाहन नहीं निकलता है, कोई कासकार क्या गाड़ी ट्रैफिक कोई नहीं निकलता है। कई करोड़ रुपये उस रोड पर दिए गए हैं, जो पीपल थाना से होकर सीधा पीपल थाना से सीधा ऐसे निकलता है, बीजने तक रोड निकलता है, बीच में वो पुलिया पड़ती है सेहल के पास, उस पुलिया का मेरा मुद्दा है, उस पुलिया को मैं बनवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी, ADM प्रशासन से, PWD से मैंने लेटर भी लिखे हैं, और कई लेटरों का मुझे जवाब भी मिला है, मगर उस पर कोई संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है, कोई नहीं की जा रही है जी। तो आपका क्या मानना है कि कब तक इन समस्याओं का समाधान हो? मेरा ये मेन उद्देश्य मेरा ये है कि मैं जनता का आदमी हूँ, और मैं क्षेत्र की समस्या मेरा नहीं, सभी क्षेत्रवासियों का समस्या को उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हम जैसे अगर जागरूक लोग नहीं उठाएंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो छोटी बड़ी समस्या होती हैं मैं उसको गंभीरता से उठाना चाहता हूं और जनता को उसका जो है लाभ दिलाना चाहता हूं, यही मेरा मेन उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हमारे सामने यहाँ आई हैं, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, रास्तों को लेकर, जबकि सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो जनता की इन्हीं आम ज़रूरतों से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि क्या ये दावे केवल कागज़ों तक सीमित हैं, जबकि धरातल पर अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। जल भराव की समस्या यहाँ सामने आई है, बिजली के खंभों के तारों से यहाँ लोगों की मौत हो चुकी है, और रास्ते जो कि यहाँ पर पुलिया का अभी बताया गया है कि निर्माण नहीं हुआ, जो 20 गांवों को लगभग जोड़ती है, ये सभी समस्याएं एक मुख्य रूप से इंसान की, आम आदमी की ज़रूरत है, इसको लेकर यहाँ लोगों ने आज समस्याएं उठाई हैं। इसमें हम जानते हैं कि क्या प्रतिक्रियाएं यहाँ जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से यहाँ समस्याएं उठाई गई हैं, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि समय रहते जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो ये जानते हैं कि किस तरह की कोशिशें इनकी रहेंगी आगे। हाँ, मेरा नाम नफीस पाशा है, समाजसेवी। नफीस पाशा, पीपल थाने से। किस तरह की आपकी प्रतिक्रियाएं आगे आने वाली? देखिए, हम बता दें आपको कि जैसे आपको सामने जो समस्या हम लोगों के सामने आई है, और पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस साहब, जेल विजिटर साहब के साथ यहाँ पर आई हैं, बड़े समाजसेवी हैं, लगातार मेहनत करते हैं लोगों के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए।
ये समस्या अगर आई है तो हम यकीन दिलाना चाहते हैं यहाँ आपके माध्यम से पब्लिक को कि अगर जिले से संबंधित अधिकारी उच्च अधिकारियों ने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की है तो अब 100% विद इन एक महीने के अंदर इसका समाधान हम लोग करके दिखा देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तारों को बदलवाना अब हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों का काम सहयोग करना है, सहयोग करते रहिएगा हमारे साथ में। आपके माध्यम से मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और PW डिपार्टमेंट और EXN लाइट को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके पैरवी हम लोग करेंगे, अगर इस पर कार्रवाई तत्काल नहीं की जाती है तो गांव से लेकर जिले तक जन आंदोलन के रूप में हम लोग इस चीज़ को बदल कर रख देंगे और उस सिस्टम को हिला देंगे जो सिस्टम अभी तक कार्रवाई नहीं किया है इस सिस्टम ने। और निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इन तारों को तत्काल बदल दीजिए, पुलिया को जो 200 गांव से जोड़ती है उसे तत्काल बदल दीजिए, उसे बना दीजिए, पानी की टंकी जो 100 पीस के रूप में लालू वाले के अंदर खड़ी हुई है उसे चालू कराने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दीजिए। इसके लिए हम जन आंदोलन आज से शुरू कर चुके हैं, पहले भी पूर्व जल साहब ने जो है कार्रवाई की है और अब लगातार अगर यहाँ नहीं होते तो आंदोलन के रूप में जिला मुख्यालय पर हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जाफर है जी। वो क्या समस्या है यहाँ बिजली के तार? वो हमारे बेटे की बहू यहाँ दवा लेने आई थी, तार टूटा हुआ, उससे पैर से उसके टकरा गया होगा। 11,000 की लेंथ में दिख रही है कितने नीचे करीबी में है, और वो टकरा गया जब तड़फी तो उसकी गोद में 8 महीने का बच्चा भी था हमारे, पोता था बस, तो 11,000 की लेंथ तो जला ही देती है, वो छोड़ती है आदमी को। तो माँ और बेटा दोनों, हाँ दोनों हो। तो उसमें आपको कुछ हमें क्या मिला इनका, हमारे अंगे बेटे हैं, उनका बेटा खत्म हुआ उससे पहले, उन्हें भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला यहाँ कुछ भी, कोई लाभ नहीं। अरे 11,000 की लाइन हट जानी चाहिए हमारे गांव से, और इससे छुट्टियाँ वाली चल रही है, आपको देखा होगा शहरों में चल रही है यहाँ क्या, तो ये 11,000 की लाइन हट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ दरखास्तें भी दी हैं, पहुँची, कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ की। कोई देखने आया है इसको यहाँ? आया एक आध कोई आ गया मुंशी देख के चला गया, उसकी कौन सुनने आया यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। विभाग से या किसी भी विभाग से कोई नहीं आया यहाँ इसको देखने के लिए? ना ना कोई नहीं, बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया, छोटे छोटे आते हैं, जो आते हैं वो तो आते हैं, वो तो उनके हाथ में क्या, वो कहते हैं हमारे हाथ में क्या भैया। अम्मा जी क्या नाम है आपका? पार्वती जी। अम्मा क्या कहना चाहती हैं इनको तारों को लेकर? तारे और कच्चा मकान है हमारे तरफ में, खम्मा है आड़ा जी, है हमें हर वक्त बच्चों का, हमें हमारे लौंडों को, शहर परिवार को बहुत दुख है। आपके छत पर से होकर जा रही है? हाँ छत पर जा रही है, सामने है का जी, कच्चा मकान है उसके बरोबर में ही है, शहर मोहल्ले को हमें बहुत परेशानी है। 11,000 की लाइन और जो है यहाँ बच्चे खेलते हैं जी, तो ये बहुत खटके का काम है, पूरा गांव हमारे खटके में है, बूंदे और कई मौत हो गई।